नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं भोबिया अमित। बधाई हो, हिंदुस्तान की राजनीति में गुलशन खिला है। वो दो दिल मिले हैं जो आज तक आपस में कट्टर दुश्मन माने जाते थे। वो दो दिल जिनके बीच में केवल राजनीतिक तकरार ही नहीं थी, बल्कि विचारधारा और धर्म की लड़ाई भी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की, या फिर हम यूं कहें कि हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ और मुसलमानों के दिल पर राज करने वाले आजम खान की। वही आजम खान जिन्होंने एक बार योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहा था कि वो शादी करें और अपनी मर्दानगी साबित करें। मर्दानगी साबित करने वाले इन बयानों से आपको नफरत का अंदाज़ा लग गया होगा, लेकिन अब दोनों दिलों का संगम हो गया है। अब ये सुनकर आपकी उत्सुकता भी बढ़ गई होगी कि ये सब संभव कैसे हुआ। तो सब्र रखिए और रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। दरअसल माना जा रहा है कि इस बार दीपावली को योगी आदित्यनाथ अयोध्या में भगवान राम की 151 मीटर की ऊंची मूर्ति का ऐलान कर सकते हैं, और ये मूर्ति सरयू नदी के पास बनेंगी। वैसे ही बनेंगी जैसे सरदार पटेल की बनी। लेकिन वहीं आजम खान ने कहा है कि अयोध्या में सरयू नदी के पास बनने वाली श्री राम की मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी बड़ी होनी चाहिए, उससे भी ऊंची होनी चाहिए। दोबारा बता देता हूँ, अयोध्या में सरयू नदी के पास बनने वाली श्री राम की मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी से ऊंची होनी चाहिए। वैसे आपको बता दूँ कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है, लेकिन आजम खान ने कहा है कि श्री राम की मूर्ति इससे भी ऊंची होनी चाहिए। और सब दंग तो तब रह गए जब आजम खान ने बोल दिया कि मैं तो रामपुर में भी भगवान राम की उतनी ही ऊंची मूर्ति चाहता हूं। आपको बता दूं कि रामपुर आजम खान का विधानसभा क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल इलाका है, और आजम खान लगातार वहां से जीतते आए हैं। तो इसके बाद राजनीतिक गलियारे में एक नया राग छिड़ गया है कि क्या आजम खान बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लोग अपने अपने ढंग से इस मसले को लेकर नए नए कयास लगा रहे हैं। मैं तो बस आपसे इतना ही कहूँगा कि अभी आजम खान ने पार्टी नहीं बदली है, भविष्य में क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, कब, कहाँ, क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये हम आपको वीके न्यूज़ पर बताएंगे। बस इसके लिए नीचे दिया गया लाल बटन दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।